हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और हमने ये जाना था कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था और हमने ये जाना था कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है ऑडिट एविडेंस के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑडिटर को एज अ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, आप एक स्पेशलाइज्ड ऑडिटर हो, आप कहीं पर जा रहे हो ऑडिट करने जा रहे हो, तो क्या है कि आपको ओपिनियन देनी है और ओपिनियन किसके बेस पर होगी? ऑडिट एविडेंस के बेस पर होगी। तो ये जो ऑडिट एविडेंस होगा, जब आप ऑडिट कंक्लूजन या रिकमेंडेशंस अपने कर रहे होगे, ऑडिट ओपिनियन दे रहे होगे, तो एविडेंस के कलेक्ट के बेसिस पर दे रहे होगे और ये एविडेंस सही होना चाहिए, सफिशिएंट और रिलायबल एविडेंस होना चाहिए। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड में, ये क्लियर है। तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स जो है हमें आपका हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, ऑडिट एविडेंस को सफिशिएंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस को गैदर करने में हेल्प करता है। और जहाँ भी ऑडिट एविडेंस की बात आएगी, सफिशिएंट और रिलायबल होना चाहिए, वो उसकी क्वालिफिकेशन है। ये दो वर्ड्स उसकी क्वालिफिकेशन, जैसे आपके सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आती है। तो यानी कि इनकरेक्ट और इन अप्रोप्रिएट एविडेंसेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऑडिटर की क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाती है, ऑडिट की क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब ये कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट होने लगा था, तो क्या हुआ कि धीरे 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 कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट स्टार्ट होने लगा। अब क्या हुआ कि ऑडिटर आते थे, नए ऑडिटर आते थे, कोई चीज़ डाउनलोड करते थे, वो फाइल अगर उन्होंने डाउनलोड की, मालूम पड़ा ऐसा है कि उन्होंने ऑडिटिंग स्टार्ट की और बाद में पता चला कि जिस फाइल को ऑडिट कर रहे हैं वो करंट पीरियड की है। ऑडिट जो है, ऑडिटर जनरली मार्च के बाद आता है, लेकिन मालूम पड़ा अप्रैल और मई के महीने की वो फाइल उठाकर उसको ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया पुराने अप्रैल मान के, तो वहाँ पर उसकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है। या कई बार क्या होता है कि इसी तरीके से कोई एक्सेल शीट है या कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उस पर ऑडिट स्टार्ट हो गया, या टैली से कोई चीज़ डाउनलोड की, तो मालूम पड़ा कई बार क्या होता है कि उसमें रोज़ और कॉलम्स, हेडिंग के रोज़ की हेडिंग या कॉलम ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़ा सा एक सेल ऊपर हो जाते हैं, एक सेल नीचे हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया और हमने रॉन्ग कंक्लूजन निकाल लिया और जो हमारा बेस है वो गलत है, मतलब हम ईआरपी में डाउनलोड कर रहे हैं, मालूम पड़ा हमने गलत पीरियड की का डेटा डाउनलोड कर लिया, तो ऑडिट एविडेंस वीक है, तो ये कंक्लूजन्स भी वीक हो जाएंगे क्योंकि एविडेंस वीक है। तो हमारी स्टडी में क्या है, कुछ स्टेप्स दिए हैं इफेक्टिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के लिए, यानी कि किस तरह से आप कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। क्यों उसे इफेक्टिवली यूज़ करना है? क्योंकि ऑडिट एविडेंस उसी क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस के लिए, मतलब ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी बढ़े इससे। तो हमारी स्टडी कहती है कि सबसे पहले तो आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव जब आप सेट कर रहे होगे, तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का कितना यूज़ करोगे, उससे क्या ऑब्जेक्टिव मीट आउट करोगे, वो आप देखोगे। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो और वहाँ पर कुछ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आपको मीट आउट करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक का किस लेवल, किस एक्सटेंशन, किस दूरी तक यूज़ होगा। तो यानी कि पहले, सबसे पहले यूज़ का आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटीज़, डेटा की क्या एसेसिबिलिटी, क्या अवेलेबिलिटी है। कई बार आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो सिस्टम के अंदर ऑडिट करने नहीं देता ऑडिटर। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कौन से टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का किस लिए यूज़ करोगे, स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए यूज़ करोगे, रिकैलकुलेशन के लिए यूज़ करोगे, कंफर्मेशन के लिए यूज़ करोगे, या डेटा के सोर्स से डेटा को उठाने के लिए यूज़ करोगे। तो मतलब आप किस चीज़ के लिए इसका यूज़ करोगे, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद आउटपुट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी। रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, देखनी पड़ेगी। अगर आप ऑडिट की टीम भेज रहे हो तो उसमें जो टीम मेम्बर्स भेज रहे हो, उसमें जो पर्सनल हैं, उनके क्या स्किल्स होनी चाहिए, कौन से टाइप के कंप्यूटर्स होने चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको इवेलुएट करनी पड़ेंगी।
उसके बाद जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो IS फैसिलिटी देखोगे, प्रोग्राम्स देखोगे, डेटा देखोगे, तो आप उस हिसाब से फिर उस चीज़ को अमेंड करोगे कि कहाँ कहाँ पर और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखोगे, टाइम एनालिसिस करके देखोगे कि कहाँ पर कौन कौन से एरिया है जहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करोगे और टाइम कम हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से क्या होता है कि आपका डेटा आया, मालूम पड़ा आपने कुछ फॉर्मूलेज लगाए और आपको गलती पता चल गई, या एक जैसे पहले पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स होते एक्सेल में, आपने डेटा निकाला, पिवट्स लगाया और आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिल्टर लगा के आपने देख लिया, या अगर कंप्यूटर जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है तो उसमें स्पेसिफिक टाइप से आपके आपको रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है, उसको डॉक्यूमेंट भी करो, मतलब जो आपके पास फाइल्स हैं, जो जहाँ से सोर्स डेटा है, सब चीज़ को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्किल्स और होने बहुत ज़रूरी हैं, कंप्यूटराइज स्किल्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और फाइनली क्या है, उन्हीं के बेसिस पर आप कैट को एग्जीक्यूट करोगे और उसके बाद रिजल्ट्स एवेल्युएट करोगे, उसका रिकॉर्ड रखोगे और उसी के हिसाब से उसको एविडेंस के रूप में मान लोगे, और उस वो एविडेंस और जो मैनुअल एविडेंस आपने इकट्ठा किया है दोनों को कोरिलेट करोगे, और उसके बाद क्या है, आप अपनी ओपिनियन दोगे। तो बेसिकली ये स्टेप्स हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के यूज़ के लिए। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स से यूज़ करना है, उन्हें डॉक्यूमेंट करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डॉक्यूमेंट करना है, उसके फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो चार्ट्स को डॉक्यूमेंट करना है, उनके रन इंस्ट्रक्शन को डॉक्यूमेंट करना है, रन इंस्ट्रक्शन मतलब रन करने की इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा हमारी स्टडी में परफॉर्मेंस स्टेप्स भी दिए हैं, क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा कैट का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें रीड एक्सेस चाहिए होगा, बाकी एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिटर को बाकी एक्सेस लेना ही नहीं है, उसको रीड एक्सेस इसलिए लेना है कि मतलब उसको एक मेल डाल देना चाहिए और उसे रिटर्न वे में रीड एक्सेस लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट से बोलना चाहिए कि एक मेल में कन्फर्मेशन दे दो कि हमें रीड एक्सेस ही मिला है, ताकि कल की डेट में कोई ये ना कह सके हमने उस डेटा को कुछ मैनिपुलेट किया है। तो अगर हमें कोई एक्सेस IS फैसिलिटी सिस्टम डेटा किसी का भी एक्सेस मिला है तो रीडी एक्सेस मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है कि हम जो है डेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे, फाइल का स्ट्रक्चर, टेबल की डेफिनेशन, किस तरह से टेबल डिफाइन की गई है। फिर उसके बाद हम जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, कैट का यूज़ करें, सब्सटेंटिव हो सकते हैं, कंप्लायंस हो सकते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं कैट का यूज़ करके हमें पता, हमने जान लिया है। कंप्लायंस प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं हमने जान लिया है, कंप्लायंस प्रोसीजर एप्लीकेशन कंट्रोल्स होंगे या जनरल कंट्रोल्स होंगे, कंप्लायंस प्रोसीजर कंट्रोल्स देखेंगे, लॉजिकली उसके देखेंगे। उसके अलावा अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है तो डेटा हम देख रहे होंगे, वन बाई वन चेक कर रहे होंगे। वन बाई वन चेक करने के लिए जैसे एक्सेल में चेक करते हैं, हम डेटा को एक साथ फिल्टर लगाते हैं, एक साथ लेते हैं और वो करते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हो। एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे, उसमें एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स होगा, रिकंसिलेशन करेंगे डेटा का। उसके बाद रीजनेबल देखेंगे, आउटपुट रीजनेबल है कि नहीं है, कहीं मालूम पड़ा आउटपुट ऐसा निकल गया बिजार आउटपुट है, रीजनेबलनेस है कि नहीं है, मालूम पड़ा कभी कहीं भी कैश नेगेटिव नहीं हो सकता है तो वो दे बताएगा कहीं पर कैश नेगेटिव हो रहा है, बैंक का अगर कहीं नेगेटिव हो रहा है तो वो बताएगा, लॉजिक्स को कन्फर्म करेगा, पैरामीटर्स को कन्फर्म करेगा, और फाइनली क्या करेंगे हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले जब हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है, तो उसकी इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी हमें देखनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कंप्यूटर असिस्ट वो सॉफ्टवेयर की क्या इंटेग्रिटी है, मतलब ये उस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने से पहले उसकी रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में देखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी ऑफ डेटा के पैरामीटर्स को मीट करता है कि नहीं करता है, वो क्लाइंट जो कॉन्फिडेंशियलिटी और सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को देख रहा है उसको देखता है कि नहीं देखता है, मतलब ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लाइंट के पास जा रहे हो तो उसके IT डिपार्टमेंट को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, वहाँ के इंफॉर्मेशन स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा हम जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हमें रीड एक्सेस ही चाहिए, वो बाकी एक्सेस नहीं है। अगर उसके अलावा कोई एक्सेस ले लिया, कोई प्रॉब्लम होगी, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम एक जनरलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं,
हम एक स्टैंडर्डाइज कंपनी का जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो डिफरेंट इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो इसका मतलब ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है विदाउट परमिशन आप यूज़ करोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। विदाउट परमिशन नहीं यूज़ करना है, ये विद परमिशन यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट करके रखना है मेल में और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेना है या मैनेजमेंट को बताना है कि मैनेजमेंट को ये सारी चीज़ें या आईटी डिपार्टमेंट को बताना है कि भाई ये यूज़ कर रहे हैं और हमें रीड राइट्स ये केवल। ये तो बेसिकली क्या है, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, किसी को स्प्रेडशीट किसी को भी आप यूज़ कर रहे हो उसके स्टेप्स हुए। अब हमारी स्टडी ये बताती है कि अगर स्प्रेडशीट का यूज़ कर रहे हो, स्प्रेडशीट क्या होती है, एक्सेल होती है, जैसे स्प्रेडशीट ऑडिट टूल के रूप में यूज़ कर रहे हो तो जनरली क्या होता है कि जब कंप्यूटर्स आया तो सबसे पहले एक्सेल शीट पर ऑडिट होना स्टार्ट हुआ। तो स्प्रेडशीट के बारे में हम जानते हैं, हमने एक्सेल में काम किया है, हम काम करते रहते हैं। बेसिकली एक्सेल क्या करता है, डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ले आता है या उसमें क्वेरिंग कर सकते हैं, हम क्वेरी कर सकते हैं। अगर हमें एक पर्टिकुलर डेटा डंप हमने डाल दिया पूरा डेटा का, और फिर उसके बाद क्या है कि हम कैरी करके फिल्टर कर सकते हैं, पिवट्स लगा सकते हैं, ग्राफ से उसे देख सकते हैं। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें स्प्रेडशीट से यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होता है पर्टिकुलरली एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स दो टाइप के होते हैं, एनालिटिकल कंप्लायंस, एनालिटिकल ट्रांजेक्शन लेवल पर देखता है। तो एनालिटिकल लेवल पर जब आप ट्रांजेक्शंस देखते हो तो काफ़ी इफिशेंसी आ जाती है। आप सपोज थोड़ी देर के लिए, फॉर एग्जांपल आप मैनुअल ऑडिट कर रहे हो और आपने क्या कहते हैं जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर से आपने कंप्यूटर के अंदर घुसे, लॉजिकली घुसे, फिजिकली तो आप नहीं जा सकते, लॉजिकली घुसे और आपने उस पूरे सिस्टम का ऑडिट कर दिया। और एक बार जब आपने इस पूरे सिस्टम का ऑडिट कर दिया तो आप को क्या होगा कि कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाएगा, यानी कंप्लायंस ऑडिट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स कैसे हैं, जनरल कंट्रोल्स कैसे लगे, इवन बाहर के फिजिकल कंट्रोल्स भी आप देखोगे। और उसके बाद क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। सब्सटेंटिव टेस्टिंग अगर आपको लगता है कि कंट्रोल्स तगड़े हैं तो आप करो, ना करो एक लो लेवल सब्सटेंटिव टेस्टिंग कर लो, ठीक है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग आपकी कंप्लायंस टेस्टिंग पर डिपेंडेंट होगी। एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस कंपनी में सबसे पहले आप कंप्लायंस टेस्ट देखोगे, कंट्रोल्स देखोगे, जिस कंपनी में कंप्लायंस टेस्टिंग के बाद आपको पता चलता है कि कंट्रोल्स बहुत हैं तो वहाँ पर सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम और ज़्यादा होगी उसी के अनुसार। अगर कंट्रोल्स बहुत हाई हैं, बहुत अच्छे हैं, तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बैलेंस की टेस्टिंग कम हो जाएगी। लेकिन अगर जहाँ पर कंट्रोल्स वीक हैं वहाँ सब्सटेंटिव टेस्टिंग हाई करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा फ्रॉड तो नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि कंट्रोल वायलेट हो गए, फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंटिव टेस्टिंग आपकी कंप्लायंस टेस्टिंग पर डिपेंडेंट रहती है। तो आपने कंप्लायंस टेस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या है कि आप स्प्रेडशीट का यूज़ करके, एक्सेल का यूज़ करके उसमें ट्रांजैक्शंस को देख सकते हो, आपको पैटर्न पता चल सकता है। ये आपकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग को वो कई बार 100% तक कर देता है। आप चेक कर लोगे पूरे 100% डेटा चेक कर लोगे, दो आपको फिर उसके सपोर्टिंग चेक करने पड़ेंगे, तो वो तो फिजिकली चेक करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर चेक करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी सब्सटेंटिव टेस्टिंग की पावर बढ़ाता है। अगर इवन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं तो आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। अब आपके पास तीन डेटा आ गया, सब्सटेंटिव टेस्ट किया आपने, कंप्लायंस टेस्ट कर दिया, सब्सटेंटिव एनालिटिकल टेस्ट भी कर लिया, एनालाइज करके देख लिया, ग्राफ बना वगैरह के देख लिया, उसके बाद मैनुअल भी देख लिया और सारे डेटा को मिला के देखा, सब चीज़ मैच कर रही है, ओके। अगर मैच नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो फिर वही शर्लॉक होम का प्रिंसिपल अपनाओगे, इम्पॉसिबल को रिमूव करते जाओगे, जो चीज़ हाउएवर इम्प्रोबेबल इट मे बी, जो इम्प्रोबेबल जो चीज़ें बचेंगी उसमें ही गड़बड़ी है, भले ही कितनी इम्प्रोबेबल ना हो। हमने बोला शर्लॉक होम्स का स्टेटमेंट था, इफ़ यू रिमूव इम्पॉसिबल व्हाट रिमेन्स हाउएवर इम्प्रोबेबल इट मे बी इज़ द ट्रूथ। मतलब वो एक डिटेक्टिव की नज़र से है, ऑडिटर बेसिकली क्या है, अ सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिव ही है, अ सॉर्ट ऑफ, वैसे डिटेक्टिव नहीं है बट अ सॉर्ट ऑफ डिटेक्टिव ही है। हिस्टोरिकल डेटा वो भी देखता है, हिस्टोरिकल डेटा ये भी देखता है, दोनों हिस्टोरिकल डेटा देखकर हिस्टोरिकल इवेंट की ट्रेल देखता है, ऑडिटर फॉरेंसिक तरीके से देखता है, सॉरी
जो आपका डिटेक्टिव है फोरेंसिक तरीके से देखता है, ऑडिटर भी एक तरह से फोरेंसिक तरीके से ही देखता है, देखता है पास्ट में क्या क्या हुआ, क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या सपोर्टिंग है, ये सारी चीज़ें देखता है। तो इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स में आपकी स्प्रेडशीट आपको हेल्प करती है। और एक पर्टिकुलर जो भी डेटा है, सब्जेक्ट डेटा जिसे हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट डेटा को एक डिफाइंड क्राइटेरिया के अनुसार हम एनालाइज करते हैं। डिफाइंड क्राइटेरिया ये है, हमने सारे ट्रांजेक्शन निकाल लिए उसमें 1 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन, और सबके बारे में डीप से पूछना शुरू किया। अगर मालूम पड़ा सपोज 1 लाख ट्रांजेक्शन है, 1 लाख ट्रांजेक्शन में हमने 1 लाख रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन देखे, और मालूम पड़ा वो 1 लाख रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन 10,000 हैं। अब हमने 1 लाख 10,000 भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद हमने फिर से उसमें फिल्टर लगाया, देखा 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन क्या हैं, हमें पता चला 300 ट्रांजेक्शन है। हम उन 300 ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह देखेंगे, उन 300 ट्रांजेक्शन को देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा, वैसे 300 ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, अगर करोड़ रुपए के 300 ट्रांजेक्शन हो गए तो 300 करोड़ हो गया, तो यानी कि ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी या इतने ट्रांजेक्शन नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लें, वो ट्रांजेक्शन हमने चेक किए तो एक मटेरियल अमाउंट ऑटोमेटिकली चेक कर लिया। फिर उसके बाद क्या है कि उसके नीचे वाले देखोगे, उसमें थोड़ी सैम्पलिंग लगा दोगे, हर तीसरा अमाउंट देख लोगे, उसके नीचे देखोगे तो उसमें और सैम्पलिंग लगाओगे। तो पहले स्ट्रेटिफिकेशन करोगे, 0 से लेकर 10,000 तक के अमाउंट देख सकते हो, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़। तो बेसिकली स्प्रेडशीट के में कुछ फीचर्स होते हैं जो हमारी स्टडी ने दिए हैं, उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्रोज देख लेते हैं। मैक्रोज क्या होता है कि एक विजुअल बेसिक होता है, विजुअल बेसिक की लैंग्वेज आती है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज आती है। तो मैक्रोज क्या होते हैं, वैसे नॉर्मल भी मैक्रोज काम कर सकते हैं। मैक्रोज मतलब होते हैं कि ऑटोमेशन कर रहे हो आप, आपको कमांड देनी है, सुबह आप डेटा लेकर आते हो, आपको मालूम पड़ा 25 कमांड देनी होती है, तो आप मैक्रो बना लो, 25 कमांड का मैक्रो बना लो, अपने आप फटाफट बटन दबाओगे वो ऑटोमेटिकली मैक्रो रिजल्ट दे देगा। तो मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में काम किया करता था, वहाँ पर एक सोर्सिंग सपोर्ट यूनिट था। सोर्सिंग सपोर्ट यूनिट का मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर कंपनी थी, उसकी पेरेंट कंपनी थी, उसके वर्ल्ड वाइड डेटा आता था, यानी कि जर्मनी का डेटा अलग आता था, परचेज डेटा आता था वहाँ से, जर्मनी का डेटा अलग आता था, फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, हंगरी का, अलग अलग कंट्री का डेटा आता आया करता था। और हमें ये देखना पड़ता था कि जो परचेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल आदमी, यानी सोर्सिंग लीडर्स जो हैं, जो सोर्स कर रहे हैं, हमारा काम क्या था, डेटा को एनालाइज करना और रिपोर्ट देना, और जो पेरेंट कंपनी है उसको रिपोर्ट देना। और उनके लिए एक सब्सिडरी फ्लोट कर रखी थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सस्ता काम होता था, और वो सब्सिडरी जो है बहुत सारे काम किया करती थी, बहुत, वो एक बड़ी बीपीओ कंपनी है, वो बीपीओ कंपनी काफ़ी काम किया करती थी। तो वो डेटा आता था, डेटा हमें ये देखना होता था कि सेव कितनी जनरेट की, यानी कि पहले वो आपके जो कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स लगाए जाते थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल लगाए जाते थे कि पहले में कितना खरीदा, अब इतने में खरीदा, पहले को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लेते थे, उससे कितने कम में खरीदा, वो उस हिसाब से हम सेव कैलकुलेट करते थे। और उसके बाद एक रिपोर्ट बनती थी, जब महीने के एंड में एक रिपोर्ट जाती थी, वो हर कंट्री वाइज थी, जर्मनी और बाकी हंगरी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, यूएस, कनाडा, कंट्री वाइज रिपोर्ट थी। जब उसमें मैक्रोस काम करना स्टार्ट करते थे उस रिपोर्ट बनाने के लिए, तो एक्सेल आधे घंटे अपने आप काम कर रहा होता था। मतलब हम एक्सेल को कोई कमांड नहीं दे रहे होते, एक्सेल अपने आप काम कर रहा होता था। डेटा हम एक शीट में रख देते थे एक्सेल के, और वो मैक्रो स्टार्ट कर देते थे। तो उस लेवल में पहुंचने के लिए करीब 4 साल की प्रोग्रामिंग लगी थी, यानी 4 साल तक हम प्रोग्रामिंग धीरे 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 प्रोग्रामिंग करते रहे, और वहाँ उस लेवल पर पहुँच गए। और मेरे आने से पहले वहाँ पर एक स्पेशलाइज टीम बैठती थी, उस कंपनी की स्पेशलाइज टीम बैठती थी जो उस मैक्रोज को बिल्ड आउट करती थी। मैक्रोज के बारे में इसलिए बताया ताकि आपको मैक्रोज की पावर समझ में आ सके, यानी कि जहाँ एक्सेल आधे घंटे काम कर रहा है वहाँ पर आप सोच सकते हो डेटा कितना बड़ा है, और एक्सेल जैसी चीज़ें आधे घंटे काम कर रही है, एक्सेल आधे घंटे काम कर रहा है। तो प्रोग्रामिंग वहाँ पर विजुअल बेसिक में होती थी। आप क्या है, अभी जाओ और एक्सेल शीट वो मैं कुछ डेटा करो लिखो, और सपोज़ उसका ग्राफ बनाना है, उसका मैक्रो रिकॉर्ड कर दो, फिर आप जब भी उसमें करोगे और मैक्रो को दबाओगे तो अपने आप ग्राफ बन जाएगा या दूसरी चीज़ें बन जाएगी। तो मैक्रोज जो हैं सीरीज ऑफ कमांड्स हैं, सीरीज जो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन रूटीन्स हैं
वो मैक्रो फंक्शन के द्वारा हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लिया सपोज एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए आप एक्सेल शीट में 100 फंक्शन करते हो और वो सारे फंक्शंस सीरीज में करते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करते चले जाते हो, तो आप मैक्रोस बना दोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस वहाँ तक पहुँच जाओगे। सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लो आप उसे पार्टली ऑटोमेट करते हो, मालूम पड़ा आपके फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए 1,000 फंक्शंस हैं और आपको रिपोर्ट बनाने में 3 दिन लगते हैं, तो 1,000 या 10,000 फंक्शंस हैं, उसको करना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। तो हर पहले मालूम पड़ा 100 फंक्शंस ऑटोमेट हो सकते हैं, उसके बाद 4-5 फंक्शंस आपको उसमें मैनुअली करने पड़ते हैं। तो 100 फंक्शन करने के बाद मैक्रो रुक जाएगा, फिर आप बटन दबाओगे फिर करेगा, फिर बटन दबाओगे फिर करेगा। तो यानी कि पार्टली या फुल्ली आप ऑटोमेट कर सकते हो, एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आप उसको दे सकते हो। तो मैक्रो बेसिकली एक चमत्कारी चीज़ है अगर देखा जाए, और मैक्रोज की पावर बहुत कम कंपनी को देखने को में मिलती है, क्योंकि वहाँ पर फिर सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर दिए जाते हैं फाइनल रिपोर्ट के लिए, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। लेकिन मैक्रोज जहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, एक्सेल की प्रोग्रामिंग चेंज होगी, तो वहाँ पर आप मैक्रोज का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्प्रेडशीट में, जॉइन, सॉर्ट, फिल्टर, समराइज, ग्राफ, चार्ट्स, पाइवट टेबल, आपके उसमें क्या है, ज्वाइन कर दिया आपने, एक डेटा एक जगह से उठाया दूसरी जगह से उठाया उसको मर्ज कर दिया, सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग हम जानते हैं, एक आप सीरीज में लिया है, हाईएस्ट से लोएस्ट में लिया है, लोएस्ट से हाईएस्ट में लिया है, आपको आपके पास डेटा है, डेटा आपकी सेल्स हुई, अलग अलग तरीके की सेल्स हुई, आपने उसे सॉर्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल, जो आपके हायर टू लोअर सॉल्ट सॉर्ट हुआ तो आपको पता चल जाएगा सबसे हाईएस्ट सेल क्या हुई, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। या एक क्लासरूम है, उसमें सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसमें मार्क्स आए, 30 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आए, तो आपने कहा जी एक्सेल शीट में उसका डेटा है, आपने सॉर्ट कमांड लगाई तो सबसे ज़्यादा फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके कम, उस तरह से सॉर्ट हो जाएगी, कम से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिल्टर हम जानते हैं, फिल्टर हम लगा सकते हैं, इसी तरह से समराइज है, ग्राफ बनाना, चार्ट बनाना, पिवट टेबल बनाना, तो ये एनालिटिकल पावर को बढ़ाता है, यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यानी कि एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में हमारी हेल्प करता है। तो कहने का मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, बहुत सारी ऑडिट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर कर सकते हो, ECL आइडिया जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कर सकते हो, उससे मतलब पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ फाइंड करना है, सर्च करना है, फ्लो चार्टिंग यूटिलिटीज़ होती है, फ्लो चार्ट बना दे के दे देती है आपको, एक्सेल जैसी स्प्रेडशीट हो सकती है जैसे जिसके बारे में हमने बात किया, SQL कमांड हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो। अगर मान लीजिए सपोज आपका डेटाबेस का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर आपने ECL या आइडिया का यूज़ करके उसका डेटा निकाल लिया, अब आपको लगता है कि ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कमांड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसी के थ्रू ऑडिट कर सकते हो। वो जो सॉफ्टवेयर है आपको आपको पता है ये सॉफ्टवेयर ठीक सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ सॉफ्टवेयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये जो डेटा दे रहा है वो सही दे रहा है, आपको डायरेक्टली डेटा निकाल कर उसको उसको उस पर ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरीली SQL कमांड्स दे सकते हो और उससे डेटाबेस से डेटा क्वेरी कर सकते हो। क्वेरिंग का मतलब डेटा क्वेरी, मैंने आपको क्वेरी दी, आपने आंसर दिया, तो पहले क्या होता था, लॉजिकल फिजिकल वे में क्वेरी होती थी, मैं आपसे बात करता था, क्वेरी करता था, आप आंसर देते थे, अब लॉजिकल क्वेरी होती है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को क्वेरी करता है, हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि जा सॉफ्टवेयर से क्वेरी कर, तो अब वो सॉफ्टवेयर आपका जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हो सकता है या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो सकती है, मतलब DBMS का पार्ट होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वो हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम्स हो सकते हैं, इसके अलावा और भी नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो देखते हैं आपका डेटाबेस क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, मालूम पड़ा डेटा तो आपका छोटा है लेकिन सर्वर हर समय चालू रहता है, तो इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा प्रोग्राम चल रहा है उसमें वायरस है, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल ये देखते हैं, वो देखते हैं कि एफिशिएंट है कि नहीं है आपका सिस्टम। इसके अलावा आपके कॉप्स, ट्रिप वायर, टाइगर, ऐसे करके बहुत सारे कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स के एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली जैसे मैंने बताया वो क्या करते हैं,
ये सारे सॉफ्टवेयर्स, ये सारे टूल किट्स, ये सारे प्रोग्राम्स, ये सारे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, ये सारे स्प्रेडशीट्स, ये सारी एसक्यूएल कमांड्स, ये सारी एप्लीकेशन सिस्टम्स या जो भी बोलो, या ये सारी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल्स, ये सारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर जैसे ECL, आइडिया, ये क्या करते हैं, आपको लॉजिकली सिस्टम के अंदर ले जाते हैं और लॉजिकली आपसे से डेटा निकालते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी है, पर्टिकुलरली आप स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हो। स्प्रेडशीट किसके लिए यूज़ करते हो, हमने अभी पढ़ा, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हो, कंप्लायंस के लिए यूज़ नहीं करते हो, कंट्रोल्स को टेस्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, इनडायरेक्ट वे में टेस्टिंग कंट्रोल कर सकते हो, अगर सारा डेटा सही आ रहा है तो इसका मतलब एक चांसेस हैं कि कंट्रोल्स भी स्ट्रांग हैं, कंट्रोल्स वीक नहीं है। लेकिन हो सकता है कंट्रोल्स वीक हों उसके बावजूद भी। तो स्प्रेडशीट जो होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हमें हेल्प करती है और उससे हम एविडेंस मिलता है। तो लेकिन क्या होता है, रिस्क भी हो सकते हैं। रिस्क क्या है कि इनपुट वैल्यू गलत है, उसके बाद लॉजिक या फार्मूला गलत है। आप जैसे मैंने कहा मैक्रोज बनते हैं, अगर एक फार्मूला बीच में गलत होगा तो फाइनल रिपोर्ट गलत हो जाएगी। एक फार्मूला एक पर्टिकुलर कंडीशन में गलत होगा और वो कंडीशन आ गई तो फिर रिपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ ऑटोमेशन है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वहाँ पर सीरीज ऑफ एल्गोरिथम है जो उस गलती को फाइंड आउट नहीं कर सकता। अभी उतनी BI नहीं है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस नहीं है, इनकरेक्ट रेफरेंस या अरेंज हो सकते हैं। उसके बाद ये है कि वर्कशीट कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मालूम पड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें एक्सेल शीट्स ऐसी होती हैं कि एक्सेल शीट भर गई। अब तो नया विंडो का वर्जन आ गया, उसमें 1,00,000 या कुछ कॉलम्स होते हैं, लेकिन पुराने में 65,000 कॉलम होते थे, तो एक्सेल शीट ही भर जाती थी, 65,000 शीट, और वहाँ ABCD, एक तरफ ABCD, EFGHI, AABAC, इस तरीके से वर्ड एक्सेल शीट आप खोलोगे तो इसी तरीके से ऊपर दिखाई देगा। तो बड़ा उसमें ह्यूज डेटा फिलअप कर सकता था, लेकिन कहीं पर आप किसी अच्छी कंपनी में जाओगे तो मालूम पड़ा आप डेटा उसमें रखोगे तो मालूम पड़ा वो पूरी एक्सेल शीट भर गई। तो उसमें कई कॉम्प्लेक्स वर्कशीट, उसके अलावा फार्मूला भी अलग अलग होता था, यानी कि एक शीट दूसरी जगह से लिंक हुई, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी शीट से लिंक हुई। आजकल नॉर्मल होता है, जैसे बैलेंस शीट है ट्रायल से लिंक करते हो आप, शेड्यूल्स को शेड्यूल्स से लिंक करते हो, फिर मेन जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट के साथ आप उसको लिंक करते हो, तो एक लिंकिंग होनी चाहिए। उसी तरीके से ये है, ये तो 3-4 लेवल तक लिंकिंग है, एक आज की डेट में बैलेंस शीट में 4 या 5 लेवल तक लिंकिंग हो सकता है, कई जगह पर 10 लेवल तक लिंकिंग है। और कॉम्प्लेक्स लिंकिंग ये है कि एक जगह से दूसरी शीट में है, दूसरी से तीसरी है, तीसरी से चौथी है, चौथी से फिर पहली शीट में आता है, तो यहाँ पर सर्कुलर लूप लगने के प्रॉब्लम होते हैं। आपको उसमें वो दे देगा, मालूम पहली शीट से दूसरी लिंक में, दूसरी से पहली में हुआ, तो एक सर्कुलर लूप बन गया। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, सर्कुलर लूप्स पता चल जाता है। आजकल जैसे स्प्रेडशीट्स है उसमें फार्मूला ऑडिटिंग की टेक्निक्स होती है, अगर आप एक्सेल खोलोगे तो उसके ऊपर फार्मूला ऑडिटिंग लिखा होता है, तो फार्मूला वो बता देगा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आपको ले जा रहा है, फार्मूला कहाँ है, कितने फार्मूले हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा अगर मान लिया सपोज कॉम्प्लेक्स वर्कशीट में प्रॉब्लम आने के बड़े चांसेस होते हैं और इनकरेक्ट लिंकिंग के बड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सारे बेसिकली रिस्क एसोसिएटेड हैं, इन रिस्क को आपको देखना पड़ेगा। और डेटा फ्रेजाइल होता है, एक्सेल का डेटा आप कुछ भी कहो, अगर शीट गायब हो गई पूरी मेहनत गायब हो गई, तो वो एक्सेल शीट जो है आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने ये जाना कि कई क्या इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि कैट को आप कैट चूज़ करोगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज़ के सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो टूल ही रिलायबल नहीं है जिससे आप लॉजिकली सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है। अगर फावड़ा पावरफुल नहीं है तो आप खोदने की कोशिश करो, मालूम पड़ा फावड़ा ही टूट गया, फावड़ा ही बेकार है। आप धरती खोदने की कोशिश करो लेकिन फावड़ा ही टूट गया, तलवार चलाने की कोशिश करो तो वो तलवार ही दूसरे ने मारी और वो तलवार ही 2 पीसेस में बट गई। वैसे ये इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता सॉफ्टवेयर और तलवार का, लेकिन एक आइडिया अगर कहा जाए तो ये हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भैया लॉजिकली ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिकल टूल होगा, वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा, लॉजिकल कंप्यूटर के अंदर घुसना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना पड़ेगा। और चूंकि हम एक सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का ऑडिट कर रहे हैं
तो क्या होगा, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का ऑडिट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा जिस सॉफ्टवेयर से हम ऑडिट कर रहे हैं उसकी इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी देखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी नहीं, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी उसकी। उसके बाद हम उसको एक बार हमने कर लिया, तो अगर हमने चूज़ कर लिया कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स को यूज चूज़ कर लिया, एक बार हमने एक टूल को चूज़ कर लिया, तो फिर ऑडिट ऑब्जेक्टिव हम करते समय हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं। अभी मैंने बताया 2500 तरह के टूल्स हैं, कुछ तो जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं आइडिया की तरह और ACL की तरह, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी टूल्स हैं, परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग टूल्स हैं, उसके बाद एक्सेल है, एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपको सिस्टम की ऑडिट की ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, कंपनी को समझना पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट को किससे को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीजर्स को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे प्रोसीजर, जब आप इनिशियली ऑडिट करोगे, मैंने कहा जब आप इनिशियली ऑडिट करोगे तो कंट्रोल्स को चेक करोगे, कंट्रोल स्ट्रांग है तो सब्सटेंटिव टेक्निक्स कम यूज़ करोगे, तो वहाँ पर क्या है कि आपको जो टूल्स यूज़ कर रहे हो, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स उतने अपनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंप्लायंस प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करने के बाद आपको पता चल गया कंट्रोल्स मैसिव स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो तो वो भी आप कई बार 100% ऑडिट कर सकते हो, मतलब पूरे डेटा को देख सकते हो, एक सरसरी नज़र से तो देख ही सकते हो। आप स्प्रेडशीट्स हैं वो इस काम में बहुत हेल्प करती हैं, स्प्रेडशीट्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स में मदद करती हैं, इसको ध्यान रख लीजिए। ये हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताया, दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, कंप्लायंस और एनालिटिकल। एनालिटिकल में भी सॉरी, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव में भी एनालिटिकल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ट्रांजेक्शन देखता है, सिंगल ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है, लेकिन ट्रांजेक्शन को देखता है, कंट्रोल्स को नहीं देखता है। लेकिन ट्रांजेक्शन को देखने की तब पर जरूरत पड़ती है जब कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, अगर कंट्रोल्स मैसिवली स्ट्रांग हो, सही कंट्रोल्स हो, तो वहाँ ट्रांजेक्शन उतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ चेकिंग कम करने की, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मेहनत है, लिमिटेड पैसा दिया जा रहा है ऑडिट का, उसी लिमिटेड पैसे में आपको ऑडिट करना है। तो जब आप कंट्रोल चेक कर लेते हो, आप जानते हो कंट्रोल स्ट्रांग है, तो पहले आप कंट्रोल चेक करो, क्योंकि कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग है तो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल स्ट्रांग होते हैं। अगर आप पूरी इंडिया में चले जाओ या पूरी एक सेक्टर में चले जाओ, जिन जिन कंपनी में कंट्रोल स्ट्रांग है उसमें फ्रॉड ये वो सब कम होते हैं, जिसमें कंट्रोल्स रिलैक्स हो जाते हैं उसमें फ्रॉड वगैरह ज़्यादा होते हैं, एक आध दो केसेस अपवाद हो सकते हैं। और यही चीज़ है, रीजनेबल रिलायंस का मतलब ही है कि ऑडिटर 100% रिलायंस उसकी ओपिनियन पर आप नहीं रख सकते हो, वो आपको एक रीजनेबल रिलायंस या रीजनेबल एश्योरेंस देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ जो बिल्कुल 100% सही होगा, वो ये कहता है मैं भगवान नहीं हूँ, एक रीजनेबल लेवल तक ऑडिट कर रहा हूँ, बेसिकली वो सिस्टम को एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है। तो हम इन प्रोसीजर्स के बारे में हमने जाना, और फाइनली हमने रिस्क के बारे में भी जाना कि स्प्रेडशीट्स या इन सब चीज़ों में क्या रिस्क होता है, क्योंकि डेटा है, डेटा जो है फास्ट मूविंग डेटा है, अब वो डेटा नहीं रहा जो सिस्टम के अंदर, जो बुक्स में पढ़ा रहता था, जो बुक्स से निकलता ही